नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया उन्होंने और कहा कि भाजपा का जो अगला अब प्लान है वो हम आशीर्वाद यात्रा हम भी यहां पे निकालेंगे। क्या कुछ संजय जायसवाल कह रहे हैं इस पीसी में आपको सुनाते हैं। या है, उसके प्रदेश के संयोजक, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी जी, मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा जी, यहाँ उपस्थित इस आशीर्वाद यात्रा के सह संयोजक रूप नारायण मेहता जी और सभी प्रेस के बंधुओं, विगत 8 जुलाई को एनडीए सरकार का एक एक्सपेंशन हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में भागीदारी मिली है। पहली बार 12 अनुसूचित जाति के मंत्री और 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों को हिस्सेदारी मिली है। पार्टी ने यह निर्णय लिया कि जनता के आशीर्वाद से आज मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और यह दूसरा मेजर एक्सपेंशन प्रधानमंत्री जी के तहत इस भारत सरकार के एनडीए के मंत्रिमंडल का हुआ है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेशों में जहां नए मंत्री बने हैं उनकी 3 दिवसीय यात्रा करेगी। 17, 18, 19 को यह यात्रा राज्य मंत्रियों के द्वारा होगा और 19, 20, 21 को यह यात्रा कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा होगा। बिहार से हमारे 2 सहयोगी दल के मंत्री बने हैं, माननीय आरसीपी सिंह जी और अश्वनी पारस जी। भारतीय जनता पार्टी से पहले राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार और अब कैबिनेट मंत्री श्री आरके सिंह जी बने हैं और इसीलिए बिहार भारतीय जनता पार्टी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आरके सिंह जी के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस पूरे यात्रा के संयोजक प्रमोद चंद्रवंशी जी, सिद्धार्थ शंभू जी, रूप नारायण मेहता जी, शंभू शरण पटेल जी और अनिल राम जी हैं। यह यात्रा 4 जिलों से होकर के निकलेगी। 19 तारीख को यात्रा का शुभारंभ गया से होगा और गया से औरंगाबाद होते हुए यह कैमूर तक पहले दिन जाएगी और नबीनगर में यात्रा का पहले दिन का समापन है। दूसरे दिन यह कैमूर और सासाराम में यात्रा का रहेगा और तीसरे दिन उनके लोकसभा क्षेत्र में बक्सर होते हुए ये यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैं भी रहूँगा। तो आपने सुना भाजपा के 21 जुलाई तक के कार्यक्रमों के बारे में संजय जायसवाल ने बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कौन कौन उसमें शामिल रहेंगे। आरा में ये यात्रा समाप्त होगी और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।